अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू इंटर सिटी मोबाइल। फ्रेंड्स, जैसा कि हमारा CM2 का पार्ट चल रहा है, तो मैं आज आपको CM2 में जो SPD फीचर फ़ोन होते हैं, यानी कीपैड वाले मोबाइल होते हैं, उनके बारे में बताऊंगा, जिसे हम कहते हैं CM2 SCR। SCR को मैं डबल क्लिक करके ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। मैंने आप लोगों के लिए एक मोबाइल अरेंज करके रखा है, जिससे मैं आपको अच्छी तरह से समझा पाऊँगा काम कैसे होता है इसमें, ठीक है। और आप भी इसमें बेहतरीन तरीके से, अगर आप कीपैड मोबाइल में वर्क करना चाहते हैं, तो आप बेहतरीन कीपैड वर्क कर सकते हैं, ठीक है, कीपैड मोबाइल में। तो हमारा SCR ओपन हो रहा है, CM2 SCR, जिसमें हम कीपैड मोबाइल फ्लैश कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं, यूज़र कोड रीड कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ। मैंने डिवाइस मैनेजर साथ में ओपन करके रखा है, ताकि आपको अच्छे से समझा पाऊँ। यहाँ पे हमारी पोर्ट्स होंगी, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले जो हमारे पास चीज़ आती है, वो आती है SC6533। ये एक RDA की, यहाँ पे देखें, RDA की चिप है। यहाँ से हम इसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं और रीड यूज़र कोड कर सकते हैं। इस चीज़ को हम छोड़ देते हैं, ये जब हम RDA पढ़ेंगे, RDA चिप सेट पढ़ेंगे, उसमें इंशाल्लाह मैं आपको प्रैक्टिकल लेकर के दिखाऊंगा। तो ये RDA नहीं है, CM2 में बकायदा RDA की कलैदा सॉफ्टवेयर दिया होता है, तो उसमें वर्क करके दिखाऊंगा मैं आपको। यहाँ पे देखें, ये हमारी मेन चिपसेट है SPD की, FP यानी फ्यूचर फ़ोन। यहाँ पे देखें SPD FP यानी फ्यूचर फ़ोन। तो यहाँ पे जो फ्यूचर फ़ोन हमारे आ रहे हैं लेटेस्ट, इनमें जो भी चिप आती है वो यहाँ पे हमें मिलती है। इसमें हमारे पास 6530 आ गई, 3131 आ गई, और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आगे देखें तो 6531 ए आई है, उसके बाद सी भी आई है, ई भी आई है, और उसके बाद 6531 हमारे पास ई में भी अवेलेबल है। तो यहाँ पे सारी फ्यूचर फ़ोन की चिपसेट दी गई हैं, जो चाइनीज़ फ़ोन आते हैं तो मिरेकल वाले उनकी देते हैं। तो मेरे पास एक फ़ोन है, अब मैं उसे कनेक्ट करता हूँ, तो फ्यूचर फ़ोन या जो भी SPD का फ़ोन है, आपको पता है उसके लिए बूट की ज़रूरत है। अब जो हमारे पास SPD के मोबाइल होते हैं, जैसा कि लाइक एंड्रॉइड फ़ोन, तो उनके वॉल्यूम अप या वॉल्यूम डाउन बटन से हमारा काम चल जाता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें बकायदा बूट की हमें ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। इसमें वर्क भी मैं आपको करके दिखाता हूँ, और बूट की का आपको कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। आपको बूट की गूगल से सर्च कर लेनी है, अगर गूगल से नहीं मिलती तो मैं आपको एक बहुत ही आसान तरीका बताता हूँ। आपने फ़िलहाल इसको छोड़ दें, इसको साइड पर कर दें, मैं यहाँ पे अपना मोबाइल कनेक्ट करता हूँ, ठीक है। आपको साउंड के ज़रिए मैं बताऊँगा, या मैं आपको ज़बान से बता दूँगा कि मैं मोबाइल कनेक्ट कर चुका हूँ, और वहाँ पे देखिएगा कि पोर्ट किस टाइम शो होती है। मैंने यहाँ पे एक बूट की प्रेस करके रखी और हैश वाली, और कनेक्ट कर दिया मोबाइल मैंने, लेकिन अभी तक वहाँ पर कोई बूट की या कोई पोर्ट शो नहीं हुई। अब जाके वहाँ पर पोर्ट शो हुई, यानी डिले पोर्ट शो होती है, ठीक है। अभी मैं फिर से स्टार वाली प्रेस करके रखता हूँ, तो यहाँ पे देखें, एक दफ़ा बैटरी निकाल लें, और उसके बाद फिर बैटरी लगानी होती है इसमें 5 सेकंड के बाद। उसके बाद मैं हैश वाली प्रेस करके रखता हूँ, और साथ में केबल लगा दी मैंने, अब जाके पोर्ट शो हुई, यानी इतनी पोर्ट डिले होके शो होती है। लेकिन इसकी अगर जब बूट की आप करेक्ट प्रेस करके केबल यूँ ही केबल इंसर्ट करेंगे, फ़ौरन वहाँ पर PC पे पोर्ट शो हो जाएगी, जैसा कि लाइक मैं अभी आपको दिखाता हूँ। इसकी बूट की मुझे पता है कि इसकी बूट की 3 है, और 3 के बटन में प्रेस कर दिया है। अब मैं इसमें देखना केबल इंसर्ट कर लगा, और फ़ौरन से ये डिटेक्ट करेगा, ये मैंने इसमें डिटेक्ट करा, अभी मेरे बोलने से पहले इसने डिटेक्ट कर ली ना, क्योंकि मैंने इसकी बूट की, आप इस तरह से जान सकते हैं कि अगर बूट की प्रेस हो तो मोबाइल इतनी जल्दी डिटेक्ट हो जाता है। जब तक इसमें बूट की अगर आप एग्जैक्ट नहीं प्रेस करेंगे, जो भी इसकी बूट की होगी, मोबाइल इतनी फास्ट डिटेक्ट नहीं होगा। अभी मैं आपको बताता हूँ कि इसमें, अभी फ़र्ज़ करें यहाँ पे ये पहली चिपसेट मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ सिर्फ आपको बताने के लिए, ठीक है। और उसके बाद मैं इसको आइडेंटिफाई कर लेता हूँ मोबाइल को। अभी मैं कोई और बूट की प्रेस करके लगाता हूँ तो मुझे क्या मैसेज आएगा। अभी मैं 0 का बटन दबा के इसमें इंसर्ट किया, लेकिन अभी मेरा मोबाइल डिटेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि मैंने आपको बताया कि थोड़ा टाइम लग जाता है। अभी जाके हमारा मोबाइल कनेक्ट हुआ,
क्योंकि एग्जैक्ट बूट की मैंने प्रेस की ही नहीं है। मैं आपको सिर्फ दिखाना चाहता हूँ कि अगर आपको इस तरह का एरर आ रहा है तो समझें कि आपका मोबाइल कनेक्ट नहीं है, आपकी बूट की एग्जैक्ट नहीं है। यहाँ पे देखें, डिवाइस नॉट कनेक्ट, एरर, प्रोटोकॉल हैंडशेक फेल्ड। हैंडशेक फेल्ड क्यों हो रहा है? जब हम मोबाइल को कनेक्ट करते हैं तो वो सॉफ्टवेयर का कुछ फाइलें वहाँ पे जाके कंफर्म करती हैं कि इसका इसमें जो बूट की है वो कंफर्म हो रही है या नहीं, वो प्रेस है या नहीं। तो हैंडशेक फेल्ड ही होना है जब हमारे पास एग्जैक्ट बूट की नहीं है। अभी मैं आपको यहीं पे एग्जैक्ट ये, हालांकि इसका लोडर नहीं है, लोडर के और सीपीयू के बारे में मैं फिर से बताऊंगा आपको। पहले ये चीज़ मैं आपको बूट के बारे में समझाना चाह रहा हूँ, वो आप समझ लें। अभी यहाँ पे आइडेंटिफाई पे मैं क्लिक करता हूँ और एग्जैक्ट बूट की मैं प्रेस करके रखता हूँ ना, फिर मैं आगे आपको बताऊँगा, ठीक है? अभी देखना, मैं एग्जैक्ट बूट की प्रेस करते हुए इसमें केबल लगा रहा हूँ, एक सेकेंड, ये मैंने केबल लगाई, देखें। अब वहाँ पे उसने बता दिया है कि बूट उसने कर दिया है, ठीक है, लेकिन हमारा बूट फेल्ड क्यों है? यहाँ पे एरर पे देखें, लोडर सेंट फेल्ड, यानी इसने जो अपना लोडर सेंड किया था इसको डिटेक्ट करने के लिए वो फेल्ड हुआ है। रॉन्ग मॉडल सिलेक्टेड, सिलेक्ट करेक्ट वन, यानी आपने गलत मॉडल सेलेक्ट किया, आप करेक्ट मॉडल सेलेक्ट, तो हमने बिल्कुल गलत किया है। इसमें जो हमारे पास चिप होगी वो होगी मेरे ख्याल में शायद ये वाली होगी, ठीक है, 6531E वाली चिप होगी। तो हमने क्या सिलेक्ट कर रखा है, हमने 6530 सेलेक्ट कर रखा है, तो रॉन्ग है। लेकिन जब हमने पहले इसमें हमारे पास बूट की रॉन्ग थी तो उसने ये एरर दिया था, लेकिन अब हमारी बूट की एग्जैक्ट है, हमारी बूट की बिल्कुल एग्जैक्ट है, मोबाइल हमारा कनेक्ट हुआ है, उसने हैंडशेक किया है इसके साथ। हैंडशेक करने के बाद यहाँ पे देखें कि इसने इसको रीड करने की कोशिश की है, सोर्स रीड हुई है, उसके बाद FDL नॉट स्टार्टेड हुआ है, यानी जब FDL स्टार्ट होता है तभी हमारा लोडर वहाँ पे जाके कंफर्म करता है चिप को, तो वहाँ पे जाके ये फेल्ड हो गया, ठीक है। अभी मैं आपको इसमें बताता हूँ, इसमें हमारे पास चिप कौन कौन सी हैं। यहाँ पे हमारे पास इसमें मैं चिप तो आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि कौन कौन सी हैं, वर्क बता देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास USB ही है, इसके अलावा कुछ नहीं, इस टैब को ही छोड़ दें, इसमें हमारे पास कुछ भी काम का नहीं है, सिर्फ टैब है पोर्ट की। हमारे पास मेन चीज़ है आइडेंटिफाई, हम पहले सबसे पहले डिवाइस को आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि आया वो इस चीज़ की, इसी मतलब इसी मोबाइल की जो हमने लोडर लगाया इसी मोबाइल का है, वो इसमें सक्सेसफुली रीड हो पा रहा है। उसके बाद हमारे पास होता है फॉर्मेट FS, यानी अगर फ़ोन पे हमारा कोई पैटर्न लॉक या पासवर्ड या कुछ भी लगा होता है तो वो हमें रीड करके वो उसे बिल्कुल मुकम्मल ख़त्म कर देता है, लेकिन साथ में डाटा भी वाइप कर देता है, यानी ये जितना भी डाटा इसमें होगा वो सारा फ्लैश कर देगा, ये मतलब इरेज कर देगा ना, तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। उसके बाद आती है रीड यूज़र कोड की, जैसे हम रीड यूज़र कोड पे करते हैं तो हमारा मोबाइल जब कनेक्ट होगा तो इसका जो भी कोड होगा ये आपको रीड करके बता देगा, और आप इस तरह इसका कोड भी रीड कर सकते हैं। मैंने मोबाइल कनेक्ट किया रीड यूज़र कोड पे क्लिक करके, बूट की प्रेस की मैंने, एक गलती हो गई क्योंकि हमने यहाँ से शायद लोडर नहीं चेंज किया था। हम यहाँ से लोडर चेंज करके रीड यूज़र कोड पे क्लिक करते हैं, सम मोबाइल में नहीं भी होता यूज़र कोड रीड, लेकिन अक्सर में हो भी जाता है, ठीक है, तो हम इस पे ट्राई कर लेते हैं। मैंने मोबाइल कनेक्ट कर दिया है, अब मैंने इसे एग्जैक्ट बूट जो है वो दिया है, तो हमारा यहाँ पे बूट डन भी हो गया है क्योंकि इसका एग्जैक्ट बूट है। तो यहाँ पे देखें रीडिंग डेटा हो रहा है, और यहाँ पे मैं इसे निकाल लेता हूँ, ठीक है। अब इसमें 4545 कोड लगा हुआ है, इसने रीड करके मुझे बता दिया ये स्टेटस नॉट एक्टिव है, कोड 4545, हालांकि इस पर एक्टिव है ये, आप इसको छोड़े स्टेटस नॉट एक्टिव या एक्टिव है, इस पर एक्टिव इस तरह है कि वैसे तो एक्टिव नहीं है लेकिन सिम डालने पे ये एक्टिव है, तो यहाँ पे स्टेटस नॉट एक्टिव बता रहा है। और इसमें एक विनबाउंड की चिप लगी हुई है जो 4 MB की है, ठीक है, 4 MB की इसमें विनबाउंड की चिप लगी हुई है। हमारे पास सारी डिटेल आ गई है,
इसमें जो भी हमने मतलब किया था, हमने इसे आइडेंटिफाई भी पहले कर सकते थे, लेकिन मुझे पता था कि इसमें 6531 वाली चिप होगी। अब 6531 कहाँ पर, यहाँ पे आप देखेंगे तो 6531 लिखा हुआ, REV उसके बाद आगे ई लिखा हुआ है, यानी इसमें जो 6531 में तीन चार चिप आई हैं उसमें जो 6531 है वो मैंने सिलेक्ट किया और लगी हुई है 6531। ठीक है, 4 MB की चिप है ये। तो हमने यूज़र कोड सक्सेसफुली रीड कर लिया है। अब मैं आपको फॉर्मेट FSP करके दिखा देता हूँ इसी पे। तो यहाँ पे फॉर्मेट FSP में क्लिक करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं बूट की होल्ड करते हुए इसमें सिंपली प्लग इन कर दी मैंने USB। फ़ौरन से डिटेक्ट हुआ मोबाइल, यानी हमारी बूट की भी बिल्कुल एग्जैक्ट मिल रही है, इससे मैच कर रही है। और यहाँ पे देखें बूट डन आ गया है। जब बूट डन आ जाए तो आप समझ लें कि आपका लोडर और आपकी बूट की सेम है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें मोबाइल कम्प्लीटली हमारा फॉर्मेट FS डन आ गया है, यानी कम्प्लीटली यहाँ पे देखें फॉर्मेट FS डन। ठीक है, तो ये होता है फीचर फोन का। अभी मैं मोबाइल को ऑन करता हूँ और देखता हूँ, यहाँ पे मेरे पास मोबाइल बिल्कुल फॉर्मेट होके आ गया है। अब मैं इस पे जाके रीसेट सेटिंग पे क्लिक करता हूँ और रीसेट फैक्ट्री सेटिंग करता हूँ कि क्या इस पे अभी कोड क्या है। 1122 लगाता हूँ, इनकरेक्ट, 1 2 3 4, फोर तक होता है गलत, सॉरी 4 दफ़ा 0 भी होता है इनका डिफ़ॉल्ट। हाँ ये देखें देखें, नया रीस्टोर फैक्ट्री सेटिंग एंड रीसेट फोन। तो मतलब ये मेरा मोबाइल कम्प्लीटली फॉर्मेट हो गया था, जिसे अभी ये वो कोड नहीं मांग रहा, क्योंकि इसका पहला कोड मुझे पता ही नहीं था, और जिस बंदे का ये मोबाइल था उसको भी नहीं पता था, उसने इसलिए दिया था। तो मैंने कहा कि चलो दोस्तों के लिए एक बेहतरीन सी वीडियो बनाता हूँ। आगे हमारे पास फ्लैश की टैब आती है। फ्लैश में हम क्या कर सकते हैं, फ्लैश हम यहाँ से सिंपल बिन और पैक फाइल सेलेक्ट करके सिंपली राइट फ्लैश पे क्लिक करेंगे। और यहाँ पे ये कभी ऑप्शन ना इस्तेमाल करिएगा, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, फ्लैश फॉर्मेट इसकी ज़रूरत तब आती है जब चिप ख़राब हो, और इनमें मोस्टली चिप ख़राब ही नहीं होती। वेन बाउंड की भी हो तो भी अच्छी चल जाती है, हालांकि वेन बाउंड की सबसे बकवास चिप मैं मानता हूँ, लेकिन फिर भी आजकल मोस्टली यही आ रही है और अच्छी चल रही है अभी तक तो, क्योंकि इसमें वेन बाउंड की चिप ज़्यादातर डिश रिसीवर में आती है, तो मैं डिश रिसीवर का भी काम करता हूँ, तो मुझे पता है कि वेन बाउंड की चिप की क्या मसले मसाले आते हैं, उनमें भी 4 MB की चिप होती है। तो यहाँ पे देख लें आप, यहाँ पे अपडेट NVMe भी कुछ, और ये हमारे काम की चीज़ें नहीं है, राइट फ्लैश है, रीड फ्लैश है। तो रीड फ्लैश में आपको यहाँ पे रीड फ्लैश पे क्लिक करता हूँ और इसमें रीड फ्लैश करके दिखा देता हूँ। ये बिल्कुल बहुत ही जल्द फ्लैश रीड कर देती है फाइल, सॉरी ये सेम टू, सॉरी 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 सॉरी, डिवाइस नॉट फाउंड आ गया है। तो यहाँ पे मैंने मोबाइल कनेक्ट कर दिया है, और यहाँ पे ये लोकेशन पूछ रहा है, तो मैं इसे डेस्कटॉप पे और फ्लैश डंप के नाम से ही सेव कर देता हूँ। तो हमारी देखें विन बाउंड की चिप 4 MB की है और ये रीड होना शुरू हो गई है। तो मैं इसको रीड करके अपने पास रख लेता हूँ, जब कोई मोबाइल ऐसा आ जाता है जिसमें प्रॉब्लम हो रही होती है सॉफ्टवेयर की, तो मैं इसमें राइट कर सकता हूँ ये आसानी से। तो ये होता है इसमें रीड का तरीका। अब यही मैं इसे यहाँ से अगर राइट करनी है तो उसका तरीका बता देता हूँ, यहाँ से हम आसानी से यही चिप इस पे राइट कर सकते हैं। तो ये इस तरह से इस पे राइट हो गई है, सॉरी रीड हो गई है। अब राइट का ऑप्शन के लिए हमें सेलेक्ट करना होगा, और यहाँ पे डेस्कटॉप पे आके हमें अपनी चिप यहाँ से सेलेक्ट कर सॉरी फाइल सेलेक्ट कर लेनी है और सिंपली राइट पे क्लिक कर देना है। तो बस इसमें यही कुछ है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर दें। अच्छी इन्फॉर्मेशन है, दोस्तों के साथ शेयर करना चाहें तो ज़रूर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।